को भी साथ लिए हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने कल के ब्लॉग को आधे पर एंड कर दिया था। मैंने आप सभी से कहा था ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा तो इसलिए दो पार्ट में ब्लॉग जाएगा, तो ये दूसरा पार्ट है। और आप सभी को बता दूँ कि आज के ब्लॉग में आप सभी को जिनकी शादी है यानी जो मेरा भाई है चाची का लड़का वो भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारी गांव की जो हैं रस्में आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है पास रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जब वहाँ पूजा से मैं और माई आए तो खाना तो कुछ भी बना नहीं था, तो फिर हम आने के बाद जो है लग गए। तो माई तो किचन का सारा काम करती हैं तो मैं यहाँ पर सैलेड काट रही थी, तो माई से बात कर रही थी और सैलेड काट रही थी। मेरा ऐसे ही मायके में टाइम पास हो जाता है। आप सभी कैसे करते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुरई लेके आई अतुल का के काफी होती पापा का तो जाकर ले आओ तो चटन के लिए मेरे चुप ही काफी तेरा तो अभी बुलाया हो आज तो कुल है अभी का गाइस भी चले काम छोको तो हम मत कर दे ये तो तब डालो ना दी छोको नाम का ना इसी कहो तो सात सात भी तो का पास का कहा जाओ एक कप किन की निगरित बताए थे।
सो फैमिली शादी के 4-5 दिन पहले जैसे पंडित से पूछ के कोई दिन फिक्स किया जाता है और ये कौन सी रस्म है मैं आप सभी को बता दूं, तो ये उर्दी छूने की रस्म यहाँ पर कही जाती है सॉरी गांव में उर्दी छूने की रस्म है ये गांव की और ये बड़ी फेमस होती है। तो बस वहीं मैं और माई जो है आए हुए हैं और आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से। प्लीज़ यार आप सभी मेरी उम्मीद तोड़ना मत। बाबू मेरे भैया की शादी थी, इसमें देखो बुकवा लग रहा है। बड़े भैया की शादी थी। अरे पैंट वाल पैंट मोड़ ल। अरे राम रे हम फंस जाए इतनी गिर बंद करे तेलवा ले रहा हूँ कटोरी में थोड़ा एक लगाए तब एक भैया जी के अपटन लगाई दे हो, भैया जी के अपटन लगाई दे हो, भैया जी के अपटन लगाई दे हो, भैया जी के अपटन लगावाई चली हैं दीत बोल बुआ सोहागिन लगावाई बुआ सोहागिन बजावत हो दोनों हाथ कंगनवा बजावत हो दोनों हाथ कंगनवा। तो लाइव होगा काहे टेंशन लेता दीदी सोहागिन लगावे सड़ी को पे गई
तो फैमिली आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। मैंने उपटन से लेके और उर्दी छूने की और नाच गाने की सारी वीडियो जो है आप सभी के साथ शेयर कर दी। काफ़ी इन्जॉय किया आज के दिन हम सभी ने। और अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर।